हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नील क्रिएशंस। आज मैं आपको एक और तरीके की कास्ट ऑन सिखाने जा रही हूँ, जो देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। आप इसके बाद कोई भी बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप कोई अपना डिज़ाइन डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, फिर भी ये बहुत प्यारी लगती है। ये कास्ट ऑन बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको सिंगल धागे से कास्ट ऑन करने हैं जो फंदे हम डालते हैं सिलाई में। मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने 22 फंदों पे डाला है। आपका कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंदे डाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका सैंपल पे बता देती हूँ कि हम ये कैसे बनाएंगे। ये मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं एक और सैंपल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सिंगल धागे से ये देखिए फंदे डाल लिए हैं। ये बहुत ईजी फंदे हैं। आपको अगर इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए कि ये फंदे कैसे डालने हैं, कोई बिगनर होता है जिसे नहीं समझ आती, तो हम उसका भी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला फंदा हम सीधा डालेंगे ऐसे, दूसरे फंदे को हम इस तरीके से नीचे से ऐसे लाएंगे, और फिर तीसरे फंदे को हम बैक लूप से बना लेंगे। नेक्स्ट हम फिर नीचे से लेके आएंगे एक फंदे को ऐसे, ये देखिए ऐसे। सेकेंड फंदा हमने बना लिया था। थर्ड फंदे को फिर से हम बैक लूप से बना लेंगे, और एक फंदा हम नीचे से ऐसे एक्स्ट्रा फंदा बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, एक हम नीचे से बना रहे हैं और एक फंदा जो हमारी नीडल पे है उसी को हम बैक लूप से सीधा बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। ये देखिए, ये हमारे डबल होते जा रहे हैं फंदे अभी तक, तो बाद में हम इसे कम कर देंगे। ये देखिए, बैक लूप से बनाया, एक नीचे से बनाएंगे, फिर बैक लूप से बनाया, फिर नीचे से ले आएंगे। ऐसे करते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो जो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाइए सेकंड रो पे। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को बना लेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो नीचे से लाया हुआ लूप था उसको हम सीधा ऐसे ही उतार लेंगे, और जो फंदा हमने पहले बनाया था बैक लूप से उसको फिर से बैक लूप से बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जो नीचे से लपेटा हुआ है, जो नीचे से लाया हुआ है उसके लिए हम धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इसे बिना बुने उतार के स्किप कर लेंगे, फिर सीधा बना लेंगे बैक लूप से इसे ऐसे। ध्यान से देखिए, जो फंदा हमने ये लपेटा हुआ लिया है उसको हम धागा अपनी तरफ करके सीधा ही उतार लेंगे। ऐसा करके हम पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत ईजी सा डिज़ाइन है, इसमें कुछ भी नहीं है। बनके बहुत ही प्यारा आता है। आप बच्चों के कार्डिगन वगैरह में आप इसे ज़रूर डालिएगा, थोड़ी सी स्टाइलिश लुक आ जाती है थोड़े से डिज़ाइन के कारण ही। ऊपर आप कोई भी इसके डिज़ाइन डाल सकते हो, कोई भी बॉर्डर अपना डाल सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। धागे को फिर पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, इसे बिना बुने उतारेंगे और इसको फिर से सीधा। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बनके ऐसा लग रहा है अभी। तो आ जाइए इसकी थर्ड और लास्ट रो पे। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, जो पहला फंदा था सीधा, हम इसे सीधा ही बना लेंगे, और जो लपेटा हुआ था दूसरा और जो बनाया हुआ था, इन दोनों को बैक लूप से हम सीधा बना लेंगे, दो का एक कर देंगे। इस रो में हमने कुछ नहीं करना, जो लूप हमने एक तो बनाया हुआ था एक लपेटा हुआ था, दोनों को पहले हमारा लपेटा हुआ आएगा फिर उसके बाद हमारा दूसरा आएगा, दोनों को बैक लूप से दो का एक करते हुए पूरी रो को हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ पे 15 के 15 फंदे रह जाएंगे, पूरा बना लेंगे हम ऐसे ही। इसके बाद, इस रो के बाद हम एक लाइन सीधी सीधी निकालेंगे उल्टी साइड से,
उसके बाद हम वो रो बेसिक होगी, उसके बाद जो भी डिज़ाइन आप बॉर्डर के लिए या कोई आप कार्डिगन का डिज़ाइन डायरेक्ट डालना चाहते हो तो डायरेक्ट डाल सकते हो। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बन के बहुत इजीली आ जाता है। ये देखिए लास्ट के भी दो फंदों को हम एक कर देंगे क्योंकि लपेटा हुआ उसके साथ था। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बन के आ गया है। तो ये नेक्स्ट रो मैं सीधी सीधी निकाल लेती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट रो मैं सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने लास्ट जो सीधी रो थी निकाल ली है। उसके बाद हमारा इतना पैटर्न आ गया जितना हमने पहले सैंपल पे डाला हुआ है। तो ये आप बनाइएगा ज़रूर और अपने बच्चों के कार्डिगन वगैरह पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।